क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारतीय क्रिकेट को नई दशा और दिशा दिखाने वाले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब बीसीसीआई के सर्वे सर्वा बन चुके हैं और क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा है कि बीसीसीआई की कमान एक क्रिकेटर के हाथ में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विराट कोहली ने अभी तक सौरव गांगुली को इस संबंध में कोई बधाई नहीं दी है। जी हाँ, भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने अपने सीनियर और पूर्व कप्तान को बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने की किसी भी तरह की कोई शुभकामना अभी तक नहीं दी है। जबकि विराट हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हर छोटे मोटे इवेंट से लेकर फेस्टिवल और तो और टीम के साथियों के बर्थडे पर भी ट्वीट करना नहीं भूलते। मगर यहाँ कोहली ने अभी तक गांगुली को बधाई देने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया, बल्कि उल्टे एक ऐसी फोटो डाल दी जिसने दोनों के बीच की टसल को जगजाहिर कर दिया। जैसे ही मीडिया में खबर आई कि गांगुली को बीसीसीआई की कमान सौंप दी गई है, उसके बाद क्रिकेट की दुनिया के तमाम दिग्गजों ने गांगुली के लिए बधाई वाले ट्वीट्स किए और क्रिकेट में सुधार लाने की उम्मीद जताई। मगर विराट ने ना तो किसी तरह की कोई विशेष दी, उल्टे डोंट वरी बी हैप्पी लिखकर एक फोटो अपनी पोस्ट कर दी। क्रिकेट के जानकारों की माने तो विराट फोटो के कैप्शन के जरिए गांगुली को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा है कि गांगुली के आने के बाद विराट ही नहीं बल्कि कोच शास्त्री का इंटरफेयर भी टीम सिलेक्शन में कम हो जाएगा। साथ ही किसी को भी टीम में ड्रॉप या पिक करने की मनमानी भी बंद हो जाएगी। अब सोशल मीडिया पर 24 घंटे एक्टिव रहने वाले विराट कोहली से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, उन्हें कम से कम एक ट्वीट तो सबसे सफल कप्तान गांगुली के लिए करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या सच में विराट गांगुली के बीसीसीआई सर्वे सर्वा बनने से खुश नहीं है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।